उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जनसुनवाई की, जिसमें विभिन्न विभागों और पुलिस से प्रताड़ित फरियादी अपनी शिकायत लेकर आयोग के पास पहुंचे। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अधिकारियों के साथ जनसुनवाई करते हुए कई विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाई। उपाध्यक्ष ने बताया कि उनके पास 55 शिकायतें आई थी, जिसमें से 20 शिकायतों का समाधान हुआ है। साथ ही आयोग की जनसुनवाई में न पहुंचने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनके पास विभिन्न जिलों से शिकायत आई थी, जिनकी एक एक करके जनसुनवाई की गई और मामले से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपनी कार्यशैली में सुधार करें, नहीं तो उनके खिलाफ अल्पसंख्यक आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। हमारे पास लगभग 55 मामलों का हमने जो है ये सुनवाई का रखा है आज, और इसमें हमने 20 मामले सुन लिए। 20 मामलों में संबंधित अधिकारी जो उन मामलों से संबंधित थे उनको हमने सुना है। जिन अधिकारियों की लापरवाही और जिन अधिकारियों ने उत्पलन किया है, उत्पलन अगर साबित होता है तो उनको हमने पहली वार्निंग देनी होती है और विभाग को ये नोटिस दिया जाता है कि आप इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो। एक मामला अल्मोड़े से सना परवीन का था, जिसको 2 वर्ष में न्याय मिला है आयोग के माध्यम से, और उसका उत्पलन हुआ था। हमने यहाँ के कुल सचिव को बुलाया था और कुल सचिव को ये आदेश किया है कि आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है। ये तीसरा मामला यूनिवर्सिटी का है, अगर इस तरीके के उत्पलन यूनिवर्सिटी में हुए तो हम जो हमें अधिकार दिए गए हैं आयोग को, उन अधिकारों के तहत हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।